पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार जमुई के खीरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू के जंगल राज, भ्रष्टाचार और इंडिया अलायंस का निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले आतंकी हमारे ऊपर हमला करके चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। हमने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये चुनावी सभा है या विजय सभा है। उन्होंने चिराग पासवान और जमुई के कैंडिडेट्स, उनके बहनोई को अपना भाई बताया। पीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि पार्टियों ने देश का नाम खराब किया है। राजद के लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं। राजद सरकार में युवतियों को सड़क पर से उठा लिया जाता था। कोई नहीं पहुंचा था वहां हमारा चंद्रयान, हमारा तिरंगा पहुंचा है। भारत जब G20 की मीटिंग करता है तो उसकी चर्चा भी पूरे विश्व में होती है। ये किसने किया? जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट की वो ताकत थी जिसके कारण ये सब संभव हुआ है, और इसलिए इस सफलता के हकदार अगर कोई है तो आप मेरे प्यारे देशवासी हैं। साथियों, आज देश कैसे बदल रहा है, बिहार खुद इसका साक्षी है। और बिहार कैसे बदल रहा है इसका उदाहरण जमुई में भी देख सकते हैं। आप याद करिए, हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे, जमुई की पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्त भोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। इसका नुकसान यहां के गरीब, मजदूर और किसान को होता था। लेकिन आज वही जमुई विकास के हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ रहा है। नक्सलवाद दम तोड़ चुका है। जो लोग नक्सलवाद के रास्ते पर भटक गए थे उन्हें हमारी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ा है, उनके परिवारों को पूरा सहयोग दिया है। अब इस इलाके से एक्सप्रेसवे निकलेगा, मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है। अब जमुई के एक और देवघर से हवाई जहाज की सेवाएं शुरू हो गई हैं, तो दूसरी ओर गया एयरपोर्ट के विस्तार की तैयारी भी चल रही है। इस इलाके में इतनी प्राकृतिक सुंदरता है। हमारा प्रयास है कि देवघर और गया जी आने वाले लोग यहां भी आकर के जाएं। पूरे बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी सरकार करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इन सारे प्रयासों से यहां रोजगार और स्वरोजगार, इसके अनेक अवसर बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपको एक बात और कभी भी भूलनी नहीं है, हमेशा हमेशा याद रखनी है। याद रखिए,
और कोई भी गरीब मां का बेटा इसको भूल नहीं सकता है, कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है, कोई भी आशा अपेक्षा के लेकर के जीने वाला नौजवान, मेहनत करके आगे आया हुआ नौजवान उस बात को कभी भूल नहीं सकता। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा ले, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जल्द ही ये ट्रेनें देश के हर रूट पर दौड़ती नजर आएगी। जमुई के पुराने रेलवे स्टेशन की जो हालत है वो तो आप भलीभांति जानते हैं। अब जमुई का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक बन रहा है। कुछ महीने पहले जब नए रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई गई थी तो सब जगह उसकी चर्चा हुई थी। वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बड़े रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट्स की तरह सुविधा युक्त होंगे। साथियों, अभी नीतीश बाबू बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, भाई चिराग बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, हमारे सम्राट जी बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, और मैं भी इतने सारे काम बता सकता हूं, शायद रात भर मीटिंग चलानी पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी भाइयों बहनों, ये मोदी है, मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को, बिहार को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप मेरे साथ सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं? और आगे जाना है ना, बहुत आगे बढ़ना है ना, बिहार को भी बढ़ाना है ना, हिंदुस्तान को भी बढ़ाना है ना। साथियों, ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुंचा है, इसलिए हर गरीब के सपने का महत्व मोदी भली भांति जानता है, उसको जीने का प्रयास करता है। और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान, बिहार के मेरी माताएं बहनें, बिहार के हर बुजुर्ग, मेरे शब्द लिख करके रखिए, और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। इसलिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले हैं। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। बिहार में 84 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड भी बने हैं। इसलिए ही मैं कहता हूं, जब नियत सही तो नतीजे सही। साथियों, बीजेपी सरकार इंसानों की सेवा तो कर ही रहा है, हमने पशुधन की भी उतनी ही रक्षा करने का तय किया। केंद्र सरकार ने बिहार के करीब 2 करोड़ पशुओं को खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त में टीकाकरण का अभियान चलाया है। आपको कोविड के समय मुफ्त में जो मोदी ने टीका दिया वो तो याद है, मोदी पशुओं को भी टीका मुफ्त में लगा रहा है। पहले गरीबों का जो पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था, अब वो सीधे आपके खाते में पहुंच रहा है। आज बिहार के 85 लाख से ज्यादा